भीड़ यहाँ पे लगा है, क्यों भीड़ लगा है? पेट्रोल का कुछ नामो निशान तक नहीं है, यानी कि 6 बजे तक खुलने का टाइम है, लेकिन 6 बजे। जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जाने वाले हैं बर्नपुर और आज एक स्पेशल चीज़ करने वाले हैं, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। कल हम लोग नहीं गए क्योंकि कल बारिश होने लगा, इसके वजह से हम लोग नहीं गए वीडियो शूट करने के लिए। तो अभी भी बारिश हो ही रही है, धरती से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बारिश हो ही रही है अभी। तो अभी भी इसमें ही हम लोग जाएंगे, वीडियो शूट करेंगे। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो को लास्ट तक बने रहें, लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्यार से कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग आए पेट्रोल लेने के लिए और यहाँ पे पेट्रोल का कुछ नामो निशान तक नहीं है, यानी कि 6 बजे तक खुलने का टाइम है, लेकिन 6 बजे खुला नहीं है। अभी हो रहा 6:30 से ऊपर हो रहा है, अभी भी यहाँ पेट्रोल पम्प खुला हुआ नहीं है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े, ये सही है या गलत है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। देख सकते हो आप सारे लोगों का बाइक इधर है, इस साइड है और इस साइड भी। Moments later. We are at the Mood Bazaar. में गली में हम लोग आए। दूसरी गली में जा रहे हैं हम लोग और ये कोट मोड़ का बाजार है, पहली बार आए हूँ। और दुकान बंद है यहाँ लगभग, मतलब सारा दुकान ही बंद है, 3-4 दुकान खुला हुआ है, तो कोई फायदा नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग बर्नपुर के जो बाजार का जो रास्ता है, उस रास्ते में हम लोग भटक रहे हैं और ये है वो रास्ता। अभी सुबह सुबह का टाइम है और जस्ट मेरे पीछे एक बड़ा सा नाला है। अभी भी हम लोग बर्नपुर में ही हैं और घूम रहे हम लोग इधर उधर, रोज घूमते हम लोग रोज। शुक्र है कि अभी बारिश हो नहीं रहा है, बारिश रुका हुआ है, सड़क से आप अंदाजा लगा सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं घर, घर जा रहे हैं। अब हमारा काम पूरा हुआ आज और आज काम करके बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया। और ये है नाग मंदिर, यहाँ का काफ़ी पुराना मंदिर है ये। फिर से वहीं से हम लोग जा रहे हैं ध्रुव डंगाल से और आज का मौसम पानी पानी हुआ है। तो दोस्तों अभी हम हैं चित्रा में और एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो क्या। तो दोस्तों ये है वो स्पेशल चीज़, ये है टीवी टावर जो कि काफ़ी दूर दूर तक ये दिखता है और इसके जड़ के पास हम लोग आ गए हैं। ये
तो दोस्तों यहाँ पे आईएएस के दरवाजे पे इतना ज़्यादा भीड़ लगा है, मैं बता दूँ इसलिए भीड़ लगा है क्योंकि यहाँ पे इन सारे लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगी, कुछ तकलीफ़ होगी, सो उन तकलीफ और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो उनसे बात करेंगे आईएएस, इसलिए भीड़ लगी है। काली मंदिर इस साइड है, काली मंदिर यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर, तो फाइनली दोस्तों हम लोग आ गए अब घर, और घर तो आ गए हैं, और आपने देखा आईएएस के जो आईएएस का जो घर है वहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ था, और मैंने आपको बताया कि क्यों भीड़ था, तो इसके वजह से भीड़ था वहाँ काफ़ी ज़्यादा। तो काफ़ी मज़ा आता है रोज़ जाने से और वीडियो शूट करने में काफ़ी मज़ा आता है। बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।